का उन्होंने लिखा है, कार्तिक भाई नैनो और अल्टो 800 में क्या फर्क लगता है चलाने में। तो अब पहुंच चुके हैं हम अल्टो को लेके तेल डलवाने के लिए। ये देखो उसी अल्टो में आ गया दोबारा से, जिसको लेके गांव गए थे हम। नैनो को चलाने के बाद तो यार इसको चलाने में बहुत अजीब लग रहा है, ऐसे बहुत नीची है। और ये सामने खड़ी अपनी नैनो देखो यहाँ से क्या बढ़िया लग रही है। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी नैनो लेके आ रखा हूँ मैं बाहर पार्क में, आ रखा था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज हो चुकी है अपनी कंप्लीट, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, देखना उधर गाड़ी। और आज संडे भी है तो अभी तो फिलहाल मैं ऐसे घर के आसपास जा रहा हूँ घूमने के लिए। वॉक हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ा सा काम भी है वो भी कर लेते हैं और घूम भी लेते हैं। अभी कुछ इस तरह की रोड पे हूँ, ये सर्विस रोड है और ये मेन रोड है अपनी, तो अब यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा मेन रोड पे। यहाँ पे पता नहीं क्यों पानी भर रखा है जगह जगह। इधर थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, पीछे से गाड़ियाँ आ रही है ना, एक तो इसका इंडिकेटर भी खराब है। तो अब फाइनली पहुंच चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे आता ही रहता हूँ अक्सर। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट ले लेना है ऐसे, अब यहाँ से लेना है राइट। राइट का इंडिकेटर तो जल नहीं रहा इसका, लेकिन फिर भी मैं चला देता हूँ, आदत हो गई है ना हाथों को। तो अभी नैनो को लेके पहुंच रखा हूँ कुछ इस तरह की जगह पे, ये खाली सा ग्राउंड है। और ये सामने खड़ी अपनी नैनो देखो यहाँ से क्या बढ़िया लग रही है। यार ये जो व्हील कैप है ना, व्हील कैप से बढ़िया लगती है कार, देखो इधर से कितनी मस्त लग रही है ना। अब इधर से दिखाता हूँ, इधर से ऐसा लग रहा है बेस मॉडल लग रहा है, खिलौने जैसी कार, कितनी ज़्यादा बदसूरत लग रही है। इधर से लाने पड़ेंगे इसके, अब लाऊंगा मैं, भूल जाता हूँ, पहले तो याद रहता है लाने लाने, फिर भूल जाता हूँ। अब देखो यहाँ से देखो क्या मस्त लग रही है, यही वाले लाऊंगा सेम, यही वाले मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगे इसमें। और भी जितनी भी मैंने नैनो देखी ना, तो सबसे बड़े यही वाले व्हील कैप लगे, तो यही वाले लगवाऊंगा इसमें अगर मिल जाए तो। और यहाँ पे डॉगी भी रहते हैं बहुत सारे, सुबह सुबह का टाइम है, संडे है। और यहाँ पे ना सामने देखो, यहाँ पे भी एकदम खाली ग्राउंड था, लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा सारे पेड़ काट के लोग कुछ ना कुछ बना देंगे यहाँ पे। अब ये जितना खाली ग्राउंड दिख रहा है ना, ये भी नहीं बचेगा कुछ टाइम बाद, ये सारा भर जाएगा कुछ ना कुछ चीज़ों से। Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. तो अब नैनो को लेके निकल रहा हूँ वापस घर जाने के लिए। अभी यहाँ पे आ रखा था, अब यहाँ पे लोग आ गए। तो अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। यहाँ से घर थोड़ा ही दूर है, अब सीधा घर ही चलते हैं, इसमें तेल भी खत्म हो जाएगा वरना। पर यार क्या मजा आता है इसे सुबह सुबह चलाने में। दोपहर में तो हालत खराब हो जाती है, जब जाम लगा होता है बहुत ज्यादा, तब बेकार लगता है, तब लगता है बाइक ही सही है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सही है। अपना आराम से चलते रहो और ऐश करते रहो। और अभी शायद थोड़ी देर बाद दोबारा आऊंगा मैं बाहर, पर उस टाइम स्कूटी लेके आऊंगा, क्योंकि यार टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर भीड़ लगने लग जाती है रोड पे। और अब इन्होंने डाइवर्जन भी थोड़ा दूर कर दिया है, तो दूर जाके डाइवर्जन लेना पड़ेगा, मतलब डाइवर्जन नहीं यू टर्न। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो जगह जगह चेंज करते रहते हैं रोड, कभी आगे कर देते हैं यू टर्न, कभी पीछे कर देते हैं। Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. तो finally यार घर के पास तो पहुंच गया मैं। ये देख लो उबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो गया। अब तो रास्ता ठीक कर दिया है पहले से इन्होंने, पहले तो और खराब था। अब तो ये है कि दूसरे गियर में चल जा रही है, पहले तो पहले गियर में चढ़ानी पड़ रही थी, पर फिर भी अभी भी थोड़ा खराब सही है। रास्ता तो बना दिया लेकिन प्लेन नहीं करा इन्होंने। और ये यार जगह इतनी सी है लेकिन गाड़ियाँ यहाँ इतनी है, हर सब लोगों के पास यहाँ गाड़ी है, जिसकी वजह से। और ऊपर से लोग भी देखो ऐसे मेन रोड पे अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, बताओ ये बच्चों की गाड़ी चलाने की जगह है। अब देखो सामने भैंस भी आ गई, सामने से भी एक कार आ रही है, तो इसे जाने देते हैं। तो अब टाइम 11 बज चुके हैं और ये देखो सामने अल्टो चल रही है, यही अल्टो लेके गए थे हम गाँव, अभी इसको लेके जाना है इसमें तेल डलवाने के लिए। तो अब पहुँच चुके हैं हम अल्टो को लेके तेल डलवाने के लिए। ये देखो उसी अल्टो में आ गया दोबारा से, जिसको लेके गांव गए थे हम। नैनो को चलाने के बाद तो यार इसको चलाने में बहुत अजीब लग रहा है, ऐसे बहुत नीची है ये, देखो ऐसे हाथ भी नहीं रख सकते आप, हाथ इतना ऊपर जा रहा है। लेकिन ये कि इसमें थोड़े पैर सीधे करके बैठना पड़ता है, नैनो में थोड़ा अपराइट पोजिशन में बैठना पड़ता है। तो अभी देखो कुछ इस तरह की जगह पर आ रखा था ये भाई, नैनो लेके आए थे हमारे भाई सब्सक्राइबर भाई,
तो इसका रिव्यू करा है वो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, देख लिया होगा आपने, वीडियो आ गई होगी। तो अब भाई जा रहे हैं अपने घर और मैं तो अल्टो में आया था, अल्टो उधर जा रखी है, अभी उसमें बैठ के जाऊंगा घर। तो अब बैठ चुका हूँ मैं अल्टो के अंदर। अल्टो में बैठने में तो यार कितना नीचे नीचे लग रहा है इसमें नैनो के बाद, वैसे सही लगता है अब 2-3 दिन चलाओ ना। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:12 और ना एक भाई का कमेंट आ रखा था, अरुण भाई का, उन्होंने लिखा है कार्तिक भाई नैनो और अल्टो 800 में क्या फर्क लगता है चलाने में। तो वैसे आपको अगर मेन फर्क बताऊं तो एक मेन फर्क तो स्टेयरिंग का है, वो भी तब है अगर आपके पास मेरी जैसी नैनो है जिसमें मैनुअल स्टेयरिंग आता है, पावर स्टेयरिंग नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग वाली नैनो है तब स्टीयरिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी तो क्लच हो गया, गियर हो गया, सारी चीजें सेम ही है नैनो और अल्टो में। एक फर्क ये भी है कि नैनो ना ऊंची कार है, अल्टो नीची कार है, तो उसे अगर आप एकदम से काट दोगे ना तो वो इतनी ज्यादा पलटती नहीं, उसमें बॉडी रोल थोड़ा कम रहता है। नैनो में थोड़ा ज्यादा बॉडी रोल रहता है क्योंकि ये ऊंची कार है। तो ऊंची कार कोई सी भी हो, वैगनर हो, स्कॉर्पियो हो, सब में ये दिक्कत रहती है, एकदम से स्टीयरिंग काटोगे तो पलटने का डर रहता है, ये बॉडी रोल रहता है एक तरफ से। जरूरी नहीं है कि पलटेगी, पर ये रहता है कि बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा रहता है ऊंची गाड़ियों में। इसके अलावा थोड़ी पावर आपको अल्टो में ज्यादा मिल जाती है हल्की सी नैनो से। इसके अलावा जो पावर है वो आपको अल्टो में थोड़ी ज्यादा मिल जाती है अगर हम कंपेयर करें टाटा नैनो से, तो दोनों में 10 bhp का फर्क है। अल्टो में आपको 10 bhp ज्यादा मिलती है अल्टो 800 में। बाकी वैसे मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना तो मेरे को नैनो चलाने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये ऊंची ऊंची सी कार है, इसमें आप अपराइट पोजीशन में बैठते हो, अल्टो में तो ऐसे जमीन में घुस जाता है इंसान। इसका स्टीयरिंग थोड़ा नीचे नीचे सा रहता है, अल्टो का स्टीयरिंग यहाँ रहता है एकदम मुंह के ऊपर, तो इसीलिए मेरे को पर्सनली नैनो ज्यादा बढ़िया लगी चलाने में स्पेस के मामले में। पर वैसे अल्टो भी अच्छी कार है, रिलायबल इंजन है उसका टाटा नैनो से ज्यादा, और पिकअप विकअप थोड़ा ज्यादा है नैनो से, इतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क है, आपको चलाने में फर्क पता चल जाएगा क्योंकि bhp ज्यादा है ना 10 bhp, तो उस चीज का फर्क तो रहता ही है थोड़ा सा। बाकी तो चलाने में बस इतना ही फर्क लगा मेरे को अभी तक अल्टो 800 और टाटा नैनो में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि दोनों में क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा आपको। और एक फर्क ना ब्रेकिंग का भी है, तो टाटा नैनो में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है चारों की चारों, लेकिन अल्टो में आपको आगे की दो डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। तो ब्रेक में पता है क्या फर्क है, नैनो में थोड़ा ज्यादा दबाना पड़ता है ब्रेक को और अल्टो में हल्के पैर से रुक जाती है वो डिस्क ब्रेक्स की वजह से, तो एक ब्रेकिंग में भी फर्क है दोनों कार्स में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।